हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास फॉर लेसन नंबर 2 एंडोजेनेटिक मूवमेंट. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक एंड दिस वन वी हैव लर्न अबाउट द फोकस एंड एपिसेंटर. व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंटर आई टोल्ड यू अर्लियर. नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोकस एंड एपिसेंटर वेरियस रेज आर जेनरेटेड. बहुत सारी वेव्स जो है वो जनरेट होती है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दीज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वी विल सी दिस टुडे इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स. स्टूडेंट्स, वी नो दैट अर्थक्वेक प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड वेव्स. These waves, they are spreading in various direction according to their point of generation and their velocity and type. So basically, to understand these types of seismic waves, we can classify basically them into three, that is P waves, S waves and L waves. P waves, that means primary waves. S waves means secondary waves and L waves means surface waves. What are these P waves, S waves and L waves, we will see in detail. See students, basically they are classified into two on the basis of their body wave, body and on the basis of surface. Body waves bhi kehte hain usse aur surface waves bhi kehte hain. Body waves ko do part mein classified kiya hai, P waves aur S wave. सरफेस वेव की भी दो क्लासिफिकेशन है, आर वेव्स एंड एल वेव. बट बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एल वेव एंड स्पेशली यू आर गिवन विथ थ्री क्लासिफिकेशन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज ओनली पी वेव, एस वेव एंड एल वेव. सो विल नॉट गो फॉर आर वेव्स. सो हम जो बेसिक जो आपके टेक्स्ट बुक का दिया है कंटेंट उसी के हिसाब से स्टडीज करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स. सो फर्स्ट वन इज पी वेव्स. P waves means primary waves. These are the first ones to reach the surface of the earth. सबसे पहले जो रे अर्थ के सरफेस तक रीच होती है वो कौन सी होती है? P waves. जैसी एनर्जी एमिट होती है अर्थ के इंटीरियर से तो ये वेव्स क्या होती है? अर्थ के सरफेस तक रीच होती है. They travel at a very fast speed from the focus to the of the earthquake in the radial direction. यानी कि जहाँ पर जो है वो इंटीरियर में जहाँ पर से अर्थक्वेक जो है वो के लिए जो रेडियो मटेरियल जो होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ से जनरेट होना स्टार्ट होते हैं, जहाँ जिसे हम फोकस कहते हैं, तो वहाँ से जो इनका ट्रेवलिंग, वहाँ से उनका जो है वो ट्रेवलिंग स्टार्ट होता है एंड दे रीच टुवर्ड्स द सरफेस. और इसमें क्या होता है, नॉर्मली वी कैन सी दैट प्राइमरी वेव्स आर कॉम्प्रेसिव वेव्स एंड दे आर एक्चुअली इन अ पुश एंड पुल पुल डायरेक्शन. पुश एंड पुल दैट मीन्स सब्जेक्टेड टू पी वेव्स पार्टिकल्स इन द रॉक मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स टू एंड फ्रो. आगे पीछे की तरफ होते हैं ना रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो अंदर से रेडिएशन मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं दे वर जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे की तरफ होते हैं. एंड दीज वेव्स दे आर, उनका डायरेक्शन भी क्या होता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे का होता है. एंड दीज वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स. सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये है कि वेदर इट इज़ लिक्विड, सॉलिड और गैशियस स्टेट, इट कैन पास थ्रू ऑल थ्री स्टेट्स. ये सारे जितने भी स्टेट्स होते हैं, वेदर इट इज़ अ लिक्विड, वेदर इट इज़ अ सॉलिड और गैशियस, सबसे जो ये इजीली पास आउट हो सकती है. इवन लिक्विड से भी पास होती है, बट लिक्विड से पास होने के टाइम पर क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. इफ़ इट इज़ गोइंग वर्टिकली तो अब वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लैंट हो जाएगी. यानी लिक्विड में उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट एक्चुअली इट इज़ पासिंग फ्रॉम ऑल द थ्री मीडियम्स. और प्राइमरी वेव्स जो है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जब अर्थक्वेक होता है तो हम देखते हैं ना कि हमें क्या फील होता है, टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे बैक एंड फोर्थ वाला जो सिचुएशन हमको फील होती है वो किस वजह से फील होती है, बिकॉज ऑफ दिस पी वेव्स ओनली. बिकॉज पी वेव्स आर इन पुश एंड पुल डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन रहेगी, पुश एंड पुल, आगे पीछे की तरफ क्या करते हैं, वो चीज़ों को खींचते हैं. तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं अर्थक्वेक के टाइम पर जब चीज़ें
सिर्फ शेक होती, थोड़ी सी आगे पीछे की तरफ होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ दिस पी वेव्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स. द वेव्स विच रीच द अर्थ सर्फेस आफ्टर द प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब सेकेंड में, सेकेंड पोजिशन आफ्टर समवन. सो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो क्या होती है, किसी सेकेंड पोजिशन पर रहती है, किसी के बाद आती है. दैट मीन्स प्राइमरी वेव्स जब अर्थ के सर्फेस तक रीच हो जाती है तो उसके बाद जो वेव्स रीच होती है वो कौन सी होती है? दीज आर सेकेंडरी वेव्स. Therefore, it is called as S wave also. These waves also scattered in all direction. हर तरफ क्या होती है, हर direction में फैल जाती है. It is scattering all over the earth's surface. From the focus जो होता है earth के interior में जो center होता है वहाँ से हर direction में spread हो जाती है. And their velocity is lesser than P wave. इसकी velocity क्या होती है, इसकी speed थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है. And the particle lying in the wave of these waves move up and down in the direction of energy transfer. P wave में हमने क्या देखा था, back and forth, आगे पीछे की तरफ होते हैं, है ना, rock particles. Wave का direction कैसा होता है, to and fro, आगे पीछे की तरफ P waves में. But opposite to that, S wave का direction क्या होता है, up and down, ऊपर नीचे की तरफ. P waves आगे पीछे होती है. Students, once again I am repeating, don't get confused. P waves, they are having the to and fro movement. आगे पीछे वाला मूवमेंट होता है उनका, पुश एंड पुल वाला. एंड एस वेव्स आर हैविंग अप एंड डाउन मूवमेंट, ऊपर नीचे वाला मूवमेंट होता है उनका. ओके, दीज वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम. सिर्फ ये जो है वो सॉलिड मीडियम से ही ट्रैवल कर सकती है. अगर एस वेव्स जो है वो लिक्विड में जाती है तो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती है. देवर जस्ट एब्जॉर्ब्ड, क्या हो जाती है वो, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और मिक्सअप हो जाती है, फिर वो आगे पास नहीं हो सकती है. द बिल्डिंग्स ऑन द अर्थ सर्फेस मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दीज वेव्स. ऊपर नीचे की तरफ जब पूरी शेक हो जाती है बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक आता है तो वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दीज एस वेव्स. एंड दीज एस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव इन कंपेयर टू पी वेव्स. पी वेव में क्या होता है, थोड़ा सा शेक होती है लैंड, है ना, आगे पीछे की तरफ होती है. एस वेव में क्या होता है, पूरी जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होता है, तो पूरा जो बेस होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से हिल जाता है या पूरा निकल जाता है, उखड़ जाता है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट एस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव इन कंपेयर टू पी वेव्स. सो इसका डायरेक्शन कैसा होता है, वी कैन से दैट साइड टू साइड, ऊपर नीचे ना, साइड टू साइड होता है इसका डायरेक्शन. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द थर्ड वेव, दैट इज एल वेव्स. ये समझ में आ गया, एस वेव दे शेक साइड टू साइड, ऊपर नीचे साइड साइड की तरफ क्या होता है, डायरेक्शन होता है इनका, इधर उधर ऐसा होता है. ठीक है, नाउ एल वेव्स जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स भी कहते हैं. दीज वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द मेन पी एंड एस वेव्स रीच द एपिसेंटर. जब पी वेव्स और एस वेव दोनों भी रीच हो जाती है एपिसेंटर की तरफ, उसके बाद जाकर जो है वो थर्ड वेव कौन सी आती है, एल वेव्स, जिसे क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं. सरफेस वेव्स में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट दीज वेव्स ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ अलोंग द क्रस्ट. यानी पूरा अर्थ का जो क्रस्ट रहता है उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वहाँ पर क्या करती है, वो ट्रैवल करती है. मतलब सरफेस की तरफ पूरा इसका जो है मेन पूरा का पूरा जो है प्रेशर कहाँ होता है, सरफेस की तरफ होता है. इट वॉज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सरफेस, क्रस्ट की तरफ होता है, और इसीलिए उसे नाम भी क्या दिया गया है, सरफेस वेव दिया गया है. दीज एल वेव्स और सरफेस वेव्स एज दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की क्रस्ट की तरफ ट्रैवल करती है. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, बिकॉज इट डैमेज द कम्प्लीट सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मेन अर्थ का क्रस्ट होता है उसे ही क्या कर देती है, पूरी तरह से ये डैमेज कर देती है. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, हाईली डिस्ट्रक्टिव वेव. पी वेव का इफेक्ट थोड़ा सा रहता है सरफेस पर, एस वेव उसके कंपेयर में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव क्या होती है, एल वेव्स होती है. सो हियर स्टूडेंट्स वी लर्न ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स. आई एम जस्ट गिविंग शॉर्ट रिविजन टू यू ऑल. पी वेव्स जो है ये सबसे पहले अर्थ की सरफेस की तरफ रीच होती है, इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है. एंड इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है.
दैट मीन्स पुश एंड पुल टाइप का, एंड इट कैन पास थ्रू ऑल द थ्री मीडियम्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. जी एकदम स्ट्रेट आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन वाला, वो पी वेव्स है. ठीक है, सेकेंड वन इज एस वेव और सेकेंडरी वेव्स. ये वेव्स जो होती है सेकेंडरी वेव्स के बाद रीज होती है. इसकी जो है वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है इन कंपेयर टू पी वेव्स, एंड इट इज़ जस्ट स्कैटरिंग ऑल ओवर द डायरेक्शन. देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा साइड में जो एक डायग्राम बना हुआ है अर्थ के एक पार्ट का, तो उसमें आपको अलग अलग सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे छोटे से बड़े तक के. दैट इज़ व्हाट स्प्रेडिंग ऑफ दिस सिस्टमिक वेव्स, कैसे वो स्प्रेड होती है ना सारे पार्ट्स में, वो शो किया है आपको वहाँ पर. एंड इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, अप एंड डाउन टाइप का होता है, यानी कि साइड टू साइड होता है. और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास हो सकती है एस वेव्स. अगर ये लिक्विड में जाती है तो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. और अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से जो है ये क्या है, ज़्यादा डैमेज करती है, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एल वेव्स. एल वेव्स जो होती है ये पी वेव्स और एस वेव्स के भी बाद पहुँचती है अर्थ के सरफेस पर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ जस्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द क्रस्ट. क्रस्ट के साइड में जो है इसका डायरेक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज एल वेव्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. पूरा आपको देख रहा है बहुत डार्क डार्क जो है वो क्रॉस क्रॉस लैंड में पूरे जो है वो कर्व फॉर्म हो जा रहे हैं. तो इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड विद दिस ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टमिक वेव्स. इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट the next part of this systemic waves, that is how we can measure them, these systemic waves, aur hum kaise specify karenge unki velocity kaisi hai, unki speed kitni hai, whether they are p waves, s waves or l waves. agar humko ye specify karna hai so hum isko kaise kar sakte hain. so we are having one instrument known as seismogram. so what is seismogram, how it is used to measure these waves, and even to understand it better you are given with one activity also. so all that we will see in our coming video. so today I'll stop my lecture here only, students. thank you.